नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के दोस्तों 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये सीरीज है, परीक्षा तक कंटिन्यू चलेगी। रोजाना दोस्तों 30 से 40 प्रश्न कंटिन्यू आएंगे इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। दोस्तों, टोटल 1000 प्रश्नों की सीरीज है। ठीक है, टॉपिक वाइज अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन में अनुशासन के तत्वों में जो नहीं है वह है। शैक्षिक प्रबंधन के अनुशासन के तत्वों में जो नहीं है वह है। तो दोस्तों क्या नहीं है अनुशासन के तत्वों के अंदर? देखो, चार ऑप्शन है, अभ्यास, अनुभूति, सुरक्षा की भावना, ज्ञान। चार ऑप्शन आपके पास में है। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा वो है सुरक्षा की भावना। ठीक है, ये दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन के अनुशासन के तत्वों में नहीं है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2nd नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना को कहा जाता है। तो शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना को क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास में है, स्वावलंबी योजना, शैक्षिक नियोजन, शैक्षिक विकास, दूरगामी योजना। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से मन में सोच लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शैक्षिक नियोजन। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, नियोजन तंत्र स्त्रों में नहीं है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास में है, मध्य स्तर, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर, जिला स्तर। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य स्तर नहीं है दोस्तों इसके अंदर। नियोजन तंत्र स्त्रों में कौन सा नहीं है? मध्य स्तर। दोस्तों इसके अंदर 3 तंत्र पाए जाते हैं, एक है जिला स्तर, एक है राज्य स्तर और तीसरा है केंद्रीय स्तर। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन। 4 नंबर प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र का उदाहरण है, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र का उदाहरण है वो दोस्तों कौन सा है? तो इसका उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा? देखो, चार ऑप्शन आपके पास में है, उत्पादन, जन कल्याण, कर्मचारी वर्ग, उपरोक्त सभी। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों ये सभी हैं, ये शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र का उदाहरण है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 5 नंबर प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? तो किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रजातंत्रात्मक शैक्षिक प्रशासन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? प्रजातंत्रात्मक शैक्षिक प्रशासन में की गई है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, विद्यालय कार्य सुचारू रूप से चलाने की विधि है, विद्यालय कार्य को सुचारू रूप से चलाने की विधि कौन सी है वो अपने को इसमें बताना है। देखो चार ऑप्शन है, जल्दी से इनको पढ़ लो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जनतांत्रिक विधि। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों विद्यालय प्रशासन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? देखो, योग्यता अनुसार कार्य में लगना, सामूहिक मूल्यांकन को प्रभावपूर्ण बनाना, शैक्षिक कार्य को सरल बनाना या उपरोक्त सभी। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है। तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व है वो कौन सा है? चार ऑप्शन आपके पास में है, नेतृत्व, प्रोत्साहन, नियंत्रण, लक्ष्य। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विद्यालय प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेतृत्व। 1 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 1000 प्रश्नों की जो सीरीज है इसके अंदर से दोस्तों एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आपके 30 नंबर हैं वो पूरे पक्के आएंगे दोस्तों।
9 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन को न ज़्यादा कठोर और न ज़्यादा लचीला होना चाहिए, बतलाने वाला सिद्धांत है। तो दोस्तों यह बतलाने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोच सिद्धांत। कौन सा है? लोच सिद्धांत। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन के पद सोपान का सर्वोच्च पद है, विद्यालय प्रबंध के पद सोपान का सर्वोच्च पद है, तो कौन सा है सर्वोच्च पद? शिक्षा मंत्री, संस्था प्रधान, जिला शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय प्रबंधन के पद सोपान का सर्वोच्च पद है वो कौन सा है? शिक्षा मंत्री। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंध में नियोजन का सूत्रपात किया, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सूत्रपात किया, तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था नियोजन का सूत्रपात? चार ऑप्शन आपके पास में है, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लूथर गुलिक द्वारा। किसके द्वारा? लूथर गुलिक द्वारा शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का सूत्रपात किया गया। एक नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लूथर गुलिक ने एक सूत्र भी दिया था, आप सभी को याद होगा, पोस्ट कोर्ब, ठीक है, POSDCORB, ये सूत्र दिया था किसने? लूथर गुलिक ने। आप सभी को पता होगा P का मतलब प्लानिंग होता है, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब होता है डायरेक्शन, को का मतलब होता है, CO का मतलब होता है वो है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, और R का मतलब होता है रिपोर्टिंग, और B का मतलब होता है बजटिंग, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता नहीं साबित करने वाला उदाहरण है। दोस्तों नहीं का ध्यान रखना, ठीक है, काफ़ी प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा नहीं, शैक्षिक प्रशासन की उपयोगिता साबित नहीं करने वाला उदाहरण है, तो वो नहीं करने वाला उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामाजिक रीतियां। क्या हो जाएगा? सामाजिक रीतियां। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा में ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन का प्रबंधन देखा जाता है। दोबारा देखो दोस्तों इस प्रश्न को, प्रारंभिक शिक्षा में ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक कार्यों का प्रबंधन देखा जाता है, तो शैक्षिक कार्यों का जो प्रबंधन है वो किसके द्वारा देखा जाता है? दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से देख लो इनको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है BEO, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, BEO 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व है, जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व है, दोस्तों इसका उत्तरदायित्व है वो कौन सा है? तो देखो किसका है उत्तरदायित्व? ये जिलाधीश का, जिला शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी का, जिला परिषद का, या जिला शिक्षा अधिकारी का? क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व है किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जिला शिक्षा अधिकारी का। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों किस शब्द से हुई है आपके पास में ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लैटिन शब्द से हुई है इस शब्द की उत्पत्ति। शब्द कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेशन। शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से हुई है, ठीक है, लैटिन यानी मिनिस्टर से मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, प्रशासन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रशासन शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो दोस्तों प्रशासन शब्द का शाब्दिक अर्थ है दूसरों की सेवा में रत रहने वाला, ठीक है, दूसरों की सेवा में रत रहने वाला दोस्तों प्रशासन शब्द का शाब्दिक अर्थ है। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रबंधन को एक सूत्र रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे दोस्तों उसे किस नाम से जाना जाता है? देखो POSDCORB,
ये भी आपको याद रखना है, पोस्ट कोर्ब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है एक नंबर का ऑप्शन, पी ओ एस डी सी ओ आर बी, एक नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न, शैक्षिक प्रशासन में महत्वपूर्ण होता है, तो शैक्षिक प्रशासन में दोस्तों महत्वपूर्ण क्या होता है, देखो सदैव गतिशीलता, व्यवहारिकता, केंद्रीयकरण व विकेंद्रीकरण या उपरोक्त सभी, क्या महत्वपूर्ण होता है शैक्षिक प्रशासन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी, चार नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, शैक्षिक प्रशासन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, दोस्तों पांच भागों में या चार भागों में या तीन भागों में या दो भागों में, दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शैक्षिक प्रशासन को पांच भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों, ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से शैक्षिक प्रशासन का कार्य नहीं है, निम्न में से शैक्षिक प्रशासन का दोस्तों कार्य है वो कौन सा नहीं है, तो इसमें देखो उद्देश्य निर्धारण, कार्य संचालन, मूल्यांकन या समन्वय में कमी, तो दोस्तों कौन सा कार्य नहीं है शैक्षिक प्रशासन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समन्वय में कमी, ये दोस्तों शैक्षिक प्रशासन का कार्य नहीं है। तो इस शैक्षिक प्रशासन के कार्य कौन कौन से हैं, तो देखो उद्देश्य निर्धारण, नियोजन, व्यवस्थापन, कार्य संचालन, मूल्यांकन, ये है दोस्तों शैक्षिक प्रशासन के कार्य। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन को कहा जाता है, तो शैक्षिक प्रबंधन को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन को एक विज्ञान, एक कला, एक जीवन दर्शन, एक मानविकी, क्या कहा जाता है शैक्षिक प्रबंधन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक मानविकी कहा जाता है दोस्तों, चार नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता है वो कौन सी नहीं है, देखो चार ऑप्शन है, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध सर्वव्यापी है, एकल मानवीय प्रयास, क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता कौन सी नहीं है, एकल मानवीय प्रयास, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शैक्षिक प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता रहती है, शैक्षिक प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता रहती है, तो दोस्तों किसकी आवश्यकता रहती है, देखो संसाधन की, मानव शक्ति की, नियोजन की, उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है शैक्षिक प्रबंधन में, ठीक है याद रखना इस चीज को। 24 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंध के कार्य नहीं है, तो दोस्तों शैक्षिक प्रबंध के कार्य कौन से नहीं है, तो कौन से कार्य नहीं है शैक्षिक प्रबंध के, तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो देखो इसके कार्य हैं संगठन करना, नियंत्रण करना, ठीक है, और क्या है दोस्तों इसमें देखो दोस्तों और संप्रेक्षण या परंपरागत प्रबंध, ये दोस्तों परंपरागत प्रबंध है, ये शैक्षिक प्रबंध का कार्य नहीं है, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, कथन है, शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, कथन है, तो दोस्तों ये कथन है, ये किसका कथन है, तो ये कथन हो जाएगा दोस्तों किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एस एन मुखर्जी का कथन है दोस्तों, ये शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, यह कथन किसका है, एस एन मुखर्जी का है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन में सत्ता और नियंत्रण का उपयोग कितने रूपों में होता है, शैक्षिक प्रशासन में सत्ता और नियंत्रण का उपयोग कितने रूपों में होता है, तो दोस्तों कितने रूपों में होता है, तो ये दोस्तों दो रूपों में होता है, कितने रूपों में होता है, दो
रूपों में होता है। ठीक है, याद रखना मैंने आपको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। शैक्षिक प्रशासन में सत्ता और नियंत्रण का उपयोग है वो दो रूपों में होता है। आगे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न, देखो दो नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रशासक को निम्नतम से उच्चतम की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीयकरण कहते हैं, यह कथन है। तो दोस्तों यह कथन है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में दिए गए हैं, जल्दी से दोस्तों देख लो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एल वाहिट का, एल वाहिट का है दोस्तों, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में केंद्रीयकृत शैक्षिक प्रशासन के गुण नहीं हैं, निम्न में केंद्रीयकृत शैक्षिक प्रशासन के गुण नहीं हैं, तो कौन सा गुण नहीं है? देखो केंद्रीयकृत शैक्षिक प्रयासों की का सरलता से समन्वय करता है, बिल्कुल सही है। सभी सूचनाएं आंकड़े एक ही सत्ता के प्राप्त होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। केंद्रीयकृत प्रशासन शिक्षा में वांछित परिवर्तन लाने में सहायक है, ये भी बिल्कुल सही है। मानवीय दृष्टिकोण की अवहेलना की जाती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये शैक्षिक प्रशासन का गुण नहीं है। चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है, केंद्रीयकृत शैक्षिक प्रशासन में निम्न में से दोष हैं, केंद्रीयकृत शैक्षिक प्रशासन में निम्न में से दोष हैं, तो दोस्तों कौन सा दोष है ये अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शैक्षिक प्रशासन के केंद्रीकरण से नौकरशाही का विकास होता है, ये दोस्तों इसके अंदर गलत है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण का अर्थ है, शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण का जो अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा वो है शैक्षिक योजनाओं नीतियों एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन करना, यह है दोस्तों शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण का अर्थ है। तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 1000 प्रश्नों की सीरीज के अंदर दोस्तों रोजाना थोड़े थोड़े मेरे साथ में चलते जाना, ठीक है, और आपके 1000 प्रश्न हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आर्य अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। दोस्तों आराध्या आर्य अकेडमी के अगर आप साथ हो तो दोस्तों सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।